हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये इस पे है कि कोई भी एक्टिविटी कैसे इंस्टॉल करी जाती है। बहुत ही सिंपल वे है, मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप मेरी इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। बहुत ही इजी है। रोलिंग स्टॉक, आपको अगर पूरे अच्छे से एक्ट खेलना है तो आपको ये जो दिए हुए हैं ये सब आपको ट्रेनसिम में डाल डाल के सर्च में डाउनलोड कर लेने हैं। ज़्यादातर तो इसमें से मेरे पास हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं हैं, तो मैं उनको तो मैं कंसिस्टेंट चेंजिंग करूँगा, क्योंकि मुझे एक एक कोच का नाम याद है जो मेरे पास है, और जो नहीं है उसका भी याद है कुछ कुछ का, लेकिन जो है उनका तो याद है लेकिन एक नहीं है मेरे पास। ये जो लोकोमोटिव दिखा रहा हूँ मैं आपको, DYNWDP4, ये रहा, देखिए ये लोकोमोटिव मेरे पास नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, तो आप सिंपल है बिल्कुल। देखिए जैसे कि इतने सारे यहाँ पे ये कंसिस्ट यूज कर रहा है। अब ये SGUG का WDP4D ये मतलब 4 जो भी LHF वो मेरे पास नहीं है, तो मैं पूरे के इंस्टॉल करने के लिए इसको ओपन इन न्यू विंडो करूँगा, जहाँ भी आपने गेम इंस्टॉल कर रखा है, और उसके बाद जहाँ भी जिस भी फोल्डर में आपने गेम को इंस्टॉल कर रखा है तो मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। और फिर आपको अगर कंसिस्ट खोलना है और जितने भी मतलब जौन सा भी आपको लोकोमोटिव लगाना है, तो इसमें तो ये NFR रूट की एक्टिविटी है तो इसमें तो डीजल ही सपोर्ट करेगा, तो मैं उसके लिए सिंपल वे है, बस कॉपी करना है इनको। कोचेस तो कॉपी करिए आप, बाद में लोको भी कॉपी करेंगे। इसे बंद कर दीजिए क्योंकि इसे खोले रखेंगे तो फिर आपके रैम यूज़ होएगा ज़्यादा। तो डबल डेकर एक्सप्रेस में नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल डेकर एक्सप्रेस का शायद मेरे पास होएगा। ये एक लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, इन सबको बाद में चेंज करेंगे। पहले अभी जिस ट्रेन में पश्चिम एक्सप्रेस में लगा सकते हैं, इसमें लेकिन एक्सप्रेस कोचेस यूज हो रहे हैं, तो एक्सप्रेस कोचेस भी हैं मेरे पास तो मैं उनमें नहीं लगाऊंगा। जो मेरे पास नहीं है उसमें आप लगा सकते हैं। मेरे पास कई तरीके के कोचेस नहीं है। अब जैसे कोनार्क एक्सप्रेस के कोचेस हैं, लेकिन मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, वीडियो देखिए और इससे आपको सब सीखने को मिलेगा। और फिर सेव कर देना है इसे, और ये जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपका पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, वो वाला कोच चेंज हो जाएगा। अब आपको अगर अपना कंसिस्ट चेंज करना है MCWLHV हम सफ़र का, तो एकदम इजी है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम सफ़र एक्सप्रेस अगर आप ये यूज़ कर रहा है, MCWLHF हम सफ़र ही यूज़ कर रहा है, और आपके पास इनका कंसिस्ट कुछ भी नहीं है, तो और अगर आपको हम सफ़र में हम सफ़र ही चलानी है, कहीं ऐसा कोई ज़रूरी है, तो आप रूट राइटर या TSRE5 डाउनलोड कर लें। तो मैं रूट राइटर है इस वाले लैपटॉप में, तो रूट राइटर है, और अगर डेस्कटॉप में देखा जाए तो मेरे पास TSRE5 है, और इसमें रैम भी बहुत कम है ना, इस वजह से मैंने इसमें TSRE5 को नहीं डाला है। ये आवाज़ करता है थोड़ा सा, चालू होएगा अभी, वो काफ़ी टाइम लेता है ना, रूट राइटर है तो रूट राइटर तो टाइम लेता है, लेकिन TSRE5 तुरंत खुल जाता है। अब देखिए जैसे कि हम सफ़र है ये EOG वाला, मैं भी आपको बना के पूरा दिखा देता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे कोचेस हैं, कोचेस बहुत सारे हैं मेरे पास, लोकोमोटिव्स कम हैं लेकिन कोचेस बहुत सारे हैं। तो अभी मैं लोकोमोटिव्स आपको दिखाना शुरू करता हूँ, और मैं आपको क्योंकि ये रूट तो वैसा है तो वो नहीं है, इलेक्ट्रिफाइड रूट नहीं है ये, तो मैं इसमें आपको वो नहीं चला के दिखाऊंगा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लोको नहीं चला के दिखा सकता, लेकिन हाँ डीजल ज़रूर चला के दिखाऊंगा। अब मैंने एक तो लिया है WDM3A और एक लिया है WDG4A। फ्लिप कर देता हूँ मैं पीछे वाले लोकोमोटिव को, मैं हमेशा से पीछे वाले लोकोमोटिव को फ्लिप रखता हूँ, अगर वो WAP7 है तब तो शायद नहीं रखता हूँ, वरना लेकिन मैं रखता हूँ। तो मैं अब आप ढूंढ लीजिए हम सफ़र के लिए ढूंढना कोई इतना मतलब वो नहीं है हलवा, मैं आपको दिखा देता हूँ, सब कुछ करके दिखाऊंगा मैं। M में होएगा तो वो नीचे आओ आप लोग, जैसे जैसे आप नीचे आओगे, मेरे पास हम सफ़र के कुछ कोचेस थे याद नहीं आ रहे हैं, वो H से शायद शुरू थे या फिर M से शुरू थे, अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको करके तो दिखाऊंगा ही। ये क्या है, ये तो काबूज है, मैंने क्या चुन लिया, ABCDEFGHI
एच ऊपर है, अब मिल जाएगा मुझे, पर ही है बस, यहीं पे रहेगा। ये देखिए हम सफ़र के कोचेस दे रहे हैं, ये ईओजी है हम सफ़र का। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो रहे हैं क्योंकि ये ब्रॉड गेज प्रोडक्शंस के कोचेस हैं तो कोई बात नहीं, नहीं भी हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत है नहीं। पेंट्री का अब आपको थर्ड एसी लगाना है, थर्ड एसी आपको जितना लगाना आप लगा सकते हैं, पेंट्री कार भी लगा सकते हैं। मैं इस वाले पेंट्री कार को हमेशा फ्लिप करता हूँ तो फ्लिप कर देता हूँ, और ये ओके कर दीजिए यहाँ पे, और थर्ड एसी जितना भी लगाना है आपको लगा लीजिए, और उसके बाद ईओजी लगा लीजिए। मैं तो इतने पे ही लगा लेता हूँ ईओजी को। अब यहाँ पे इसका नाम जो भी रख देता हूँ, मैं एबीसी रखता हूँ इसका नाम, एबीसी, क्योंकि इसे कि मुझे ये किसी एक्टिविटी में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं खुद एक्टिव तो बनाता नहीं हूँ, तो उसके लिए हो गया। अब आपको अपने मेन जो आपका ट्रेन सेट है, मतलब गेम के कंसिस्ट फोल्डर में जाना है और वहाँ पे ए बी सी सर्च करना है। ये देखिए आ गया। अब ये जो है ये पूरा आपको कॉपी कर लेना है, सी टी आर एल सी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जाना है इस साइड में कंसिस्ट में। अब हम सफ़र है ये ना, ये हम सफ़र में आपको इसे पेस्ट कर देना है उसकी जगह पे, ठीक है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें, बस देखना है और सीखना है। इस वाले भी हम सफ़र में मैं यही लगा देता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, लगा रहा हूँ धीरे धीरे करके सब सिखा दूंगा दोस्तों। अगर आपको इस तरह से करना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा एक्टिविटी, अगर आपको खुद से अगर इंस्टॉल कर लेना है तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों। मैं तो बस आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो दिखा रहा हूँ कि आप सीख जाएं चीज़ों को इंस्टॉल करना, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं उनको तो ये तक नहीं पता है। मैंने अभी एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले ही, मेरे काफ़ी सारे भाई लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे ओपन रेल्स के कंट्रोल्स बता दो, मुझे कंट्रोल्स नहीं आते, और हालांकि उन्हें खेलते हुए इतने दिन हो गए हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक ट्यूटोरियल बना दिया हूँ, आज आप ही के लिए बनाया हूँ मैं ये ट्यूटोरियल, तो आप इस ट्यूटोरियल से आपकी मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोकोमोटिव इनमें से डिलीट भी कर सकते हैं, ये दोनों लोकोमोटिव्स मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ये दोनों लोकोमोटिव नहीं देखना है वहाँ पे जाके, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी मैं इसे ही लगा देता हूँ। अब अगर मुझे पीछे वाला लोकोमोटिव फ्लिप करना है तो मैं एंटर से यहाँ तक जाऊँगा एंटर करके, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है इसमें, और कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। फ्लिप लिख दिया मैंने, ये जो F है ये कैप्स लॉक में F होएगा, ठीक है। अब कैप्स लॉक बंद कर दीजिए, अब एक स्पेस और करिए और यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगाइए, फिर एक स्पेस करिए, फिर यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगाइए, और ये पीछे वाला लोकोमोटिव आपका फ्लिप हो गया है। एंटर पे क्लिक कर दीजिए, हो गया वो लोकोमोटिव फ्लिप। अब अगर गरीब रथ की बात करें तो गरीब रथ में ये WDP 4D है, तो WDP 4D की कोई ऐसी मतलब आपको पक्का ऐसा तो नहीं कह सकता, मतलब आप मानना डाउनलोड करें कर सकते हैं आप, अगर आपका मर्जी है तो। अभी तो फिलहाल मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं भी शायद आपको डाउनलोड ही करके दिखाता। अब ये LPG ये जो है ना, ये सब मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा स्टॉक, तो मैं ना इसमें फ्राइट है तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा इनको बॉक्स एंड एचल रेक से इनके भी लोकोमोटिव को मैं चेंज कर दूंगा। तो दोस्तों आपको देखने की बस बात है, आप सीख जाएंगे, बहुत ही इजी होता है ये काम, कोई ऐसा मुश्किल हार्ड काम नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं और मैं तो खैर कर ही लेता हूँ। अब मैंने भी ये वीडियो देख देख के सीखा है, और दोस्तों अगर मैंने अभी नया ये चैनल शुरू किया है, मैं फेसबुक पे भी एक पेज बनाने की सोच रहा हूँ, अगर आप इस वाली वीडियो पे 100 लाइक्स कर देना, 50 ही कर दें तो 50 ही कर देंगे तो मैं पक्का पेज बनाऊंगा, और हर एक दिन पे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, इतना मेरा आपसे वादा है दोस्तों। लेकिन बस 50 लाइक्स करें, क्योंकि इट इज़ जस्ट ऑफ ऑल योर सपोर्ट, नॉट ऑफ मी ओनली। तो ये भी चेंज कर रहा हूँ मैं, ये भी चेंज हो गया। अब ये जो पश्चिम एक्सप्रेस वाला था, इसका पूरा था मेरे पास, पूरा नहीं था, इसका भी लोकोमोटिव नहीं है मेरे पास इसका, तो मैं कोई सा भी लोकोमोटिव लगा सकता हूँ। मैं हम सफ़र वाला लेता हूँ अब लोकोमोटिव, ये जो है हावड़ा का WDM 3 है, तो ये मैं कॉपी करूँगा CTRLC, या फिर आप वैसे भी कॉपी कर सकते हैं।
पश्चिम एक्सप्रेस में जाएंगे। अगर मेरा कंप्यूटर होता ना तो उसमें ऐसा कोई भी लोकोमोटिव नहीं था MLW का जो मेरे पास नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो डीजल हो, कोई सा भी नहीं था, ऐसा नहीं था कोई भी लोकोमोटिव जो नहीं हो मेरे पास। तो यहाँ से मैं अब आप इनको इंस्टॉल करना दिखा देता हूँ पूरे एक्ट को, और दोस्तों अगर हो पाएगा तो मैं खेल के भी दिखाऊंगा, अगर एक्ट चलेगा तो, और नहीं चलेगा तब फिर क्या कर सकते हैं, वैसे तो चल जाना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ अब ये राजधानी का है, ये राजधानी के हिसाब का कंसिस्ट है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके लिए भी बहुत इजी काम करना है आपको। इसमें भी आपको जो कंसिस्ट लगाना हो जो भी, मैं अभी फिलहाल राजधानी का अगर कोई पड़ा हो तो देख लेता हूँ, राजधानी यल्दा राजधानी, राजधानी के कुछ लगे हुए हैं इसमें, तो ठीक है मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। बहुत ही इजी है दोस्तों, कोई ऐसा हार्ड काम है नहीं इसमें, बस आपको मेरे को देखना है और सीखना है और करना है अपने उसमें PC में या फिर लैपटॉप में जो जिसमें भी आप खेलते हो। तो ये WDM 3A मिलेगा इस राजधानी को, क्योंकि इसकी NFR रूट एक ऐसा रूट है जो काफ़ी प्यारा रूट है, इसमें सीनरी भी बहुत अच्छी अच्छी दिखाई गई है कहीं कहीं। ये ADI कुछ कोचेस है ना दोस्तों, बड़ा अलग लगते हैं मेरे को इस वजह से बिल्कुल पसंद नहीं है ये काम मैं बहुत कभी कभार करता हूँ, बहुत ही कभी कभार, जब मुझे बहुत कोई एक्ट पुराना हो जाता है और मैं किसी का स्टॉक मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं होता है। ये तो जस्ट फॉर योर्स इजीनेस कर रहा हूँ मैं आपको सिखाने के लिए, कि आप लोग सीख जाएं कि कैसे क्या होता है। तो शताब्दी है ना, तो शताब्दी के लिए शताब्दी के कोचेस से ही होंगे। एक बार देख लूँ कितनी देर की वीडियो बनी है, काफ़ी बड़ी वीडियो बन रही है अभी, तो बन रही है, पता नहीं कितनी बड़ी होगी वो तो देखने वाली बात होगी, जैसी भी होगी। अब मैं शताब्दी के कोचेस चाहिए ना, तो शताब्दी डालूंगा, शताब्दी जन शताब्दी नहीं, मुझे शताब्दी चाहिए, तो शताब्दी के लिए शताब्दी चाहिए। तो मैं जाता हूँ थोड़ा नीचे, स्वर्ण शताब्दी के कोचेस थे, स्वर्ण ढूंढेंगे, और ये राज स्वर्ण शताब्दी, इसमें राजधानी लगा के कोचेस लगे हुए हैं, इसमें भी चेंज नहीं है, ठीक से कोई कंसिस्ट नहीं दे रखे हैं इन्होंने, मतलब मेरे पास कोई ठीक से कंसिस्ट नहीं है, मतलब एल के हो सकता। हाँ ये है स्वर्ण शताब्दी के कोचेस, ये कॉपी करेंगे आप CTRL C करके। अब आपको अपने कंसिस्ट में जाना है, शताब्दी में जाना है, शताब्दी में जाके शताब्दी को चेंज कर देना है। तो मेरे पास ज़्यादातर कंसिस्ट तो ऐसे ही हैं जो नहीं है। अरे ये दोस्तों क्या हो जाता है, मेरे लैपटॉप का ना मुझे कुछ भी फंक्शन पता नहीं है, इतने दिन हो गए लैपटॉप चलाए, अब तो PC रहता है रोज़ मैं PC ही चलाता हूँ, लेकिन इधर घर आए हूँ, वीडियो भी देनी है लोगों को, तो मैं देना पड़ रहा है मुझे लैपटॉप से, वरना मैं लैपटॉप को तो हाथ भी नहीं लगाने लगा था, फिर बंद कर दिया था एकदम लैपटॉप छूना ही। जब 4-5 महीने हो गए आए हुए मेरे PC को, अब इसमें डायनेमिक WDP4 दे रखा है इन्होंने, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ये लोकोमोटिव WDM3A। तो इसके लिए CTRL C करूँगा इस लोकोमोटिव के उसको नाम को, और यहाँ पे लगा दूँगा सिंपली, एकदम कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें करने के लिए, बहुत ईजी है चलाना इस। ये भी चेंज हो गया, अब एक था डबल डेकर एक्सप्रेस का, ये जो था इसे भी चेंज करना है, तो इसमें लोकोमोटिव नहीं है मेरे पास, तो ये मेरे पास पूरा अवेलेबल है, इसका बाकी सब स्टॉक है, बस लोकोमोटिव नहीं है मुगलसराय का WDM2A। यहाँ पे वैगन्स लगे हुए हैं, तो SBI का WDP4D हो ना हो क्या पता नहीं, कुछ ऐसा पता नहीं है मुझे, होएगा हो सकता है हो कि नहीं हो, कुछ ऐसा पता नहीं है, तो मैं अभी चेंज कर दिया मैंने कंसिस्ट को, कोई दिक्कत है नहीं, एंटर में क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ WDM3D है ना, तो GD का WDM3D की जगह हम अपना कोई लोकोमोटिव खड़ा कर देंगे, तो हम हावड़ा का WDM3A खड़े करेंगे, वहाँ पे खड़ा करेंगे और वो खड़ा भी हो जाएगा। स्टैटिक रेक्स ये कुछ कह रहे हैं शायद से, अब ये आपको कट या कॉपी जो भी आप करते हो वो आप करिए, मैं तो इधर कट ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना स्पेस नहीं भरता हूँ कभी भी, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और ये डू दिस फॉर ऑल 11 कंसिस्ट, यस हो गया ये। और अब आपको दिखाता हूँ एक्ट पूरा इंस्टॉल करना, NFR की एक्टिविटी है, रीडमी पढ़ के आप पता लगा सकते हैं, देखिए रूट्स NFR, ये देखिए NFR फोल्डर में लगाना है,
तो कॉन्सिस्ट तो हम लगाएंगे नहीं, हमें लगाना है सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज पाथ सर्विसेज एंड ट्रैफिक। कट करेंगे, डी में जाएंगे, मैंने न्यू फोल्डर 5 में इंस्टॉल कर रखा है, रूट्स में जाएंगे और रूट्स में NFR में जाएंगे, NFR में जाने के बाद पेस्ट कर देंगे। डू दिस फॉर ऑल पेरेंट आइटम फाउंड यस 3 और फिर इन्हें पूरा चेंज कर देंगे मूव एंड रिप्लेस। ठीक है, तो अब एकदम हो चुका है काम सारा हमारा। अब ओपन रेल्स चलाएंगे, अगर ये चलता है तो देखते हैं दोस्तों, नहीं चलेगा तो भी हम कुछ कर तो पाएंगे नहीं। तेजस एक्सप्रेस है ये कॉन्सिस्ट और ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता दोस्तों इसका, ये ओपन रेल्स का वर्जन काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना है ये। अगर कोई एरर दिखाएगा तो अभी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वैसे एरर ज़रूर दिखाएगा ये एक्टिविटी, क्योंकि दिखाया था जब मैंने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था इस एक्ट को, एक बार इंस्टॉल कर चुका हूँ इस एक्ट को, फिर भी देखते हैं अगर कोई कंसिस्ट एरर आएगा तो कंसिस्ट का नाम कॉपी करके कंसिस्ट बना लेंगे उस नाम का, तो शायद चल जाए ये एक्टिविटी। वैसे तो चल जानी चाहिए, बाकी इनको पता होगा जिसने एक्टिविटी ऑथर है जो इस एक्टिविटी का। बढ़िया एक्ट तो होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। तो दोस्तों ये चल गई है एक्टिविटी, हैंग हो रखा है लेकिन मेरा, कोई बात नहीं देखते हैं अगर चलता है तो। FPS बहुत कम मिल रहा है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चल रही है ना, इससे मतलब है तो चल रही है, तो उससे कोई बड़ी बात फर्क पड़ नहीं रही है। और अब मैं बंद कर देता हूँ गेम को। तो दोस्तों एक्टिविटी चल गई, मैं खेल के देखूँगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सायोनारा और बाय।